2 नवंबर को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच एक मामूली बात पर झड़प होती है, जिसमें पुलिसकर्मी और वकील दोनों पक्षों के लोग घायल होते हैं। इस हिंसक झड़प के बाद वकील हड़ताल पर चले गए। उधर वकीलों की इस हिंसा के खिलाफ पुलिस वाले दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। ये अपने आप में एक पहला मामला था जब पुलिस ऐसे प्रदर्शन कर रही थी। दरअसल दिल्ली पुलिस के जवान हजारों की तादाद में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के बीच कई तरह से नारे लगाए गए, कई लोग तख्तियों के साथ भी दिखाई दिए गए जिसमें उन्होंने अपनी मांगे लिखी थी। इस पूरे अफरा तफरी के बीच एक नारा ऐसा था जिसने 31 साल पुरानी एक कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। वो नारा था, पुलिस कमिश्नर कैसा हो किरण बेदी जैसा हो। आपको बता दें कि ये नारा प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तब भी लगाया जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनसे बात करने आए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 31 साल पहले का वो मामला आखिर है क्या, जिस वजह से पुलिस वाले किरण बेदी को याद करते हुए कहने लगे कि हमें किरण बेदी चाहिए। 30 हजारी कोर्ट में हुए बवाल के बाद 31 साल पहले की एक तस्वीर कुछ लोगों की आंखों के सामने घूमने लगी, जब इसी कोर्ट में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज की याद को ताजा कर दिया। दरअसल साल 1988 के जनवरी के महीने में वकीलों का एक ग्रुप किरण बेदी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कहते हैं कि कई वकील घायल हुए थे। बाद में इस मामले पर किरण बेदी ने कहा था कि भीड़ बेहद आक्रामक थी और हमला कर सकते थे, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मगर ये मामला यहीं नहीं खत्म हुआ और कुछ हफ्तों के बाद 30 हजारी कोर्ट परिसर में हजारों की तादाद में भीड़ ने वकीलों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वकीलों ने आरोप लगाया कि वो लोग पुलिस थे। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया था। इस मामले ने उस वक्त काफी तूल पकड़ा था। बाद में इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और करीब एक साल तक सुनवाई के बाद भी इस मामले में कोई फैसला नहीं आया था। हालांकि ये दोनों मामले पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प से जुड़े हैं, मगर इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 1988 वाला मामला एक फुल प्लानिंग से किया हुआ हमला था, तो वहीं 2019 वाला मामला एक मामूली बहस या फिर यूं कहें कि एक छोटी सी चिंगारी को हवा देकर बढ़ाया गया मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।